योगी और मोदी विवाद अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। ये बात हर अखबार, वेबसाइट और चैनल की सुर्खियां बनी हुई हैं। इस पर एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि ये विवाद पूरी तरह से गलत और झूठ है। इस विवाद को जानबूझकर मोदी सरकार ने गढ़ा है ताकि वह कोविड और वैक्सीन से जुड़ी अपनी नाकामियों को छिपा सके, गंगा में प्रवाहित होने वाली लाशों को लेकर उठने वाले सवालों से बच सके। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल के कार्यकाल में योगी जी ने नफरत और घृणा फैलाने का काम किया है। वे ऐसी कोई जन योजनाएं लागू नहीं कर सके जिससे लोगों का सही मायने में भला हो। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जनता को कोविड और वैक्सीन से जुड़ी हुई जानकारियां मुहैया ना करवाई जाएं। केंद्र सरकार ने कहा था कि जून के महीने में 12 करोड़ डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। आज 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन डोज का कहीं अता पता नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि 21 जून से टीकाकरण के लिए डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है और इन्हीं चीज़ों को छिपाने के लिए कहा जा रहा है कि ये डाटा सार्वजनिक ना किया जाए, वरना इससे मार्केटिंग कंपनियों को फायदा होगा। नवाब मलिक ने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वह टीकाकरण को लेकर तय कार्यक्रम घोषित करे और उसके अनुसार कितनी वैक्सीन राज्यों को दी गई और कितना टीका लगाया गया, इन तमाम बातों की जानकारी समय समय पर सार्वजनिक की जाए। कई दिनों से लगातार खबरें हैं कि योगी जी और मोदी जी के बीच में मनमुटाव है। पिछले कई दिनों से इसी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश और देश के सभी अखबारों में, चैनलों में खबरें दिखाई जा रही है। हमें लगता है कि कोविड की नाकामी छुपाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी चीजें प्लान की गई ताकि कोविड में गंगा में प्रभावित लाशों की खबर दब जाए, मरने वालों पर चर्चा बंद हो जाए। सारी नाकामियों को ढकने के लिए बीजेपी ने ये पूरी तरह से एक प्लान बनाया है। कितना भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4.5 साल का कार्यकाल रहा, योगी जी का कार्यकाल सिर्फ घृणा नफरत फैलाने वाला रहा। कोई भी ऐसी योजना जिससे आम जनता को फायदा हुआ हो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। कोविड में पूरी तरह से नाकाम रहे। सिर्फ सरकारी खजाने से बड़े बड़े विज्ञापन उन्होंने चलाए। हमें लगता है बीजेपी ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में आ रहेगी, इसी को लेके वे चिंतित है। हमें लगता है कितना भी कर लें हर उत्तर प्रदेश में निश्चित है। केंद्र सरकार का राज्यों को ये कहना कि कोविन को लेकर आप जानकारी लोगों को मुहैया ना कराएं। आप कितना डोज हमने आपने दिया, कितना हमने लोगों को लगाया, ये बताना जरूरी है। क्यों ये छुपाने की बात केंद्र सरकार कर रही है? केंद्र ने ऐलान किया था कि 12 करोड़ डोज जून महीने में देंगे। 10 दिन बीत गए, 11वां दिन आज है। कहा जा रहा है कि 21 तारीख से डोज दिए जाएंगे लोगों को, राज्यों को। कुल मिला के केंद्र सरकार घोषणाएं करती है और उसके बाद उस पर अमल नहीं हो पाता। पूरी तरह से वैक्सीन उपलब्ध कराने में सरकार नाकाम रहती है। इन्हीं चीजों को छुपाने के लिए कहा जा रहा है कि ये डाटा सार्वजनिक ना किया जाए, इससे मार्केटिंग कंपनियों को फायदा होगा। हमें लगता है ये तथ्यहीन है। कितनी डोज लगी, कितना डोज उपलब्ध कराया गया, हम तो कहते हैं कि केंद्र सरकार स्वयं प्रति सप्ताह का कार्यक्रम जाहिर करे और कितना अचीव हुआ ये बताए। कौन से राज्यों को कितनी डोज दी गई, कितना उन्होंने टीकाकरण किया, ये पारदर्शक तरीके से जानकारी देनी चाहिए। जानकारी छुपाने से कोविड को हम नहीं हरा सकते।